जो बात कह रही है वो तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? अम्मी, मेरी इत्तला के मुताबिक भाई किसी लड़की से इश्क तो जरूर फरमा रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात की है ना आपने। अरे हाँ, आजकल माएं ऐसी बातें करती हैं। आपने बहुत मेहनत की है ना, और इसका आपको सिला भी बहुत मिला है। हाँ, definitely, सिला तो मिलता है। मैं किचन में गई थी तो शायद मेरी डायरी सारिम के हाथ में थी। आरजू ये है उनको हर नजर देखा कर, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा कर। तो देख लो मैंने कौन सा मना किया है। बेखबर की आरज़ू तो खासी खबरों से भरी है। क्या हो गया मेरे बच्चे को, अभी तक नहीं उठा। मेरे अम्मी जा। पहले तो सिर्फ मेरा ख्याल था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी दादी ने सारिम पे तावीज कराया। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, दादी जान वहाँ रुखसाना आंटी के घर पर है, वहाँ बैठे वो सारी मेरे पर कैसे तावीज कर सकती हैं? मेरा बच्चा सुबह सवेरे उठ जाया करता था, अभी देखो 11 बज गए बड़ा सो रहा है, ऑफिस तक का उसको होश नहीं है। जब वो सारी सारी रात जागेंगे तो सुबह देसी सो के उठेंगे ना अम्मी। रातों को वो कभी भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि इम्तिहान के दिनों में भी रात को जल्दी सो जाया करता था और सुबह सवेरे उठ जाता था। इन दिनों वो मोहब्बत के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आपको क्या पता अम्मी। वानिया मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाना। इतनी देर से ऑफिस जाएंगे आप भाई? हाँ वो सही तरह से नींद नहीं पूरी हुई मेरी, तबीयत कुछ खराब है। क्या हुआ, खैर तो है ना? नहीं मैं बस वो रात में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए सही से सो नहीं पाया। तो आपने अपना एसी नहीं चलाया था? एसी? अरे हाँ यार देखो जरा, एसी चलाना ही भूल गया। चलो मुझे नाश्ता दे दो जल्दी से, मैं रेडी हूँ। जब इंसान हर चीज को भूलकर एक चीज को याद करने लगे तो ऐसा ही होता है। सलमा बहन वाकई बेहद मासूम दिल की खातून है। मुनीरा जरा ठंडे दिल से तुम अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि तन्हाई कितनी बड़ी बीमारी है, और उनका अकेलेपन से यूं घबराना अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप भी अजीब बातें कर रहे हैं, उनकी बेटी शादी करके परदेश थोड़ी जा रही है,
ایک فلور سے دوسرے فلور پر تو آ رہی ہے وہ. پھر بھی آپ ان کو جا کر تسلی دیں کہ انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ بہت خوش ہوں گی کہ انہیں اللہ تعالیٰ داماد کی شکل میں ایک بیٹا دے رہا ہے. ٹھیک ہے, میں جا کر انہیں سمجھاؤں گی. اور ہاں, ان سے کہیے گا کہ ہمارے گھر کو دوسرا گھر مت سمجھیں بلکہ اپنا ہی گھر سمجھیں, اور جب ان کا دل چاہے ہمارے گھر آئیں. ٹھیک ہے. کافی ملے گی؟ ارے واہ, یہ سارم کو ہوا کیا ہے؟ کبھی نوشابہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو کبھی کسی اور کے ساتھ. یہ جو ابھی لڑکی دیکھی ہے, یہ کون تھی؟ اور ہمارے سارم کے ساتھ یوں ہنستی مسکراتی کیوں جا رہی؟ معلوم تو کرنا پڑے گا. دیکھیں کیا لکھا ہے بھائی نے اپنی محبوبہ کے نام. زندگی کی دھوپ چھاؤں میں کوئی بھی شخص ایک احساس, ایک کیفیت جسے محبت کہتے ہیں, کہ بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر میں تو رہ رہی ہوں. محبت ایک شجر, ایک استعارہ ہے, ایک یقین ہے, ایک اعتبار ہے. آسمانوں کی جانب سربلندی کا ایک زندہ احساس ہے, ایک بلاوا ہے اپنے بچھڑے ہوئے کو ملانے کی, ایک آواز ہے تاریکی سے روشنی کی طرف. بالآخر میری روشنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے ملی گی. اس کا مطلب کہ امی کا شبہ واقعی درست تھا کہ یہ لڑکی واقعی نوشابہ ہے یا کوئی دوسری لڑکی. نہیں نہیں, نوشابہ نہیں ہو سکتی, یہ یقیناً کوئی دوسری لڑکی ہی ہوگی. نہیں, یقیناً یہ لڑکی نوشابہ ہی ہے 100%. امی کو جا کے بتاتی ہوں. امی, امی آپ کا خیال بالکل درست ہے. بکواس کیے جاؤ گی یا اصل بات بھی بتاؤ گی؟ میں ابھی ابھی سارے بھائی کی ڈائری پڑھ کر آئی ہوں, وہ تو نوشابہ کی محبت میں بالکل گرفتار ہو چکے ہیں. کیا؟ نوشابہ؟ نانی جان, ہاں بول. مجھے مامی کے گھر جانا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ رہنا ہے تو سال بھر کے لیے رہیں, پر مجھے جانا ہے. بھائی رخسانہ اتنی خاطر مدارات کر رہی ہے, پھر بھی تمہارا دل نہیں لگ رہا. ہاں میرا دل نہیں لگ رہا, بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں سے اڑ کر کہیں چلی جاؤں. تمہاری زرین مامی نے کون سے پلاؤ زردے بنا کے رکھے ہوں گے؟ نانی جان میں بور ہو رہی ہوں تو یہاں پر کیوں رہوں؟ بس مجھے جانا ہے, اور آج کی آج ہی جانا ہے. اچھا اچھا, میں نے سارم کو کہا ہے دوائیوں کے لیے, وہ میری دوائیاں لے کر آئے گا, تم اس کے ساتھ چلی جانا. اب خوش, مجھے وظیفہ کر لینے دے. سارے مار ہے.
लगता है नौशाबा के बगैर सारिम का दिल नहीं लग रहा, तब भी बार बार मुझे फोन कर रहा है। और मैंने कहा मैं दवाइयां भूल आई हूँ तो कितना परेशान हो गया। बस आते ही होगा अब तो। ये आपने टाइम पे लेना दवाई, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चले मुझे इजाजत, मैं चलो। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम कहाँ जाओगी? घर। ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा, जरीन और वानिया से मिलने के लिए जाने के लिए। लेकिन मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ कहीं और चली जाऊंगी। जी आपको जाना घर ही है ना, तो हम दोनों घूम फिर के घर चले जाएंगे। लेकिन नौशाबा तुम वहां जा नहीं सकती हो। पर क्यों? अब मुझे देर हो रही है नौशाबा, सीरियसली। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल तुम्हें ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम घर आ जाना। सिंपल। कोई खास है जिससे हम मिलने जा रहे हैं? हाँ बहुत खास। कोई बहुत खास? आपकी और भाई साहब की बातें सुनकर मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। आपको हमारी जानिब से किसी किस्म का वसवसा या परेशानी पालने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ, मेरी सारी परेशानियों के बादल छट गए। मेरी बेटी आप जैसे कदरदानों के घर जा रही है, ये सोचकर बस मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको पला पलाया, बरसरे रोजगार और तालीम याफ्ता दामाद दे दिया। दामाद क्यों, अदनान आपका बेटा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे कहूँ तो आप मेरी बात को समझेंगी और दिल से अहमियत देंगी। आप मेरी बहन जैसी हैं, और बहन की बात मुझे क्यों मंजूर नहीं होगी। ये हुई ना बात। जी कहिए। वो अदनान अगर मेरे घर आकर रहने लगे घर दामाद बनकर, तो फिर मैं अकेली नहीं रहूंगी। और वो आपका बेटा है, आपके पास आता जाता रहेगा, 10 दफा मिलने आए, 3-4 सीढ़ियां ही तो है। मेरा बेटा कभी भी घर दामाद नहीं बनेगा, ये बात आप ख्वाब में भी सोचिएगा। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप बुरा मान गए? चाहे आप शादी करें ना करें, मेरा बेटा घर दामाद नहीं बनेगा, ये मैंने कह दिया सो कह दिया। कह दिया तो कह दिया, मुझे देखना मैं क्या करती। सुना आपने नानी जान, सारिम ने क्या कहा? सुना आपने? वो किसी खास हस्ती से मिलने के लिए गया है, और इस बात का एतराफ उसने आपके सामने किया है। नौशाबा तू तो पागल हो गई है, सारिम ऑफिस की मीटिंग में गया होगा, तुझे कहां लादे लादे फिरेगा। हाँ मीटिंग, हाँ तो मीटिंग भी तो कोई खास ही होगी ना। जरीन बता रही थी सारे माशाल्लाह 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है,
तो ऑफिस वाले 2 लाख का खून तो चूसेंगे ना। तो बता देते ना कि ऑफिस की मीटिंग में जा रहा हूँ। भाई हमारे खानदान के मर्दों को आधी बात करने की आदत है। हाँ शायद यही बात होगी। ये लो ये कंगन पहन लो। वो सही पर एक बच्चा पीछे पड़ गया था कि आज आपने किसी को कंगन पहना नहीं पहनाना, इसलिए मैंने ले लिया। ओ तो किसी के कहने पर लाए, वरना आपका दिल नहीं चाह रहा था। किसी ने मेरे दिल की बात कह दी, इसलिए प्लीज पहन लो ना। वो आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ लंच करें? आज हम लोग कहीं नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया। ओह वाओ, सरप्राइज है क्या? ऐसे ये नाजुक से हाथ काम करने के लिए नहीं, तो फिर तुमने इतनी जहमत क्यों की? हाँ ये नाजुक से हाथ तो सिर्फ फूल पहनने के लिए। कभी हम खाना होटल से मंगा लिया करेंगे या फिर कभी खाना हमें मोहल्ले वाले दे दिया करेंगे, है ना? आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। कॉल करने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मेरे घर की पहली खुशी है इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। पुरानी बातों पर मिट्टी डालें। आपके घर कोई तकलीफ है? हाँ यही बताने के लिए फोन किया है कि नेक्स्ट वीक सलमान की इंगेजमेंट कर रही हूँ मैं। लेकिन आप तो मंगनी के हमेशा से खिलाफ रही हैं। हाँ निकाह भी हो सकता है। सलमान तो आ गया होगा कैनेडा से, आज या कल में आ जाएगा। कहाँ किया आपने रिश्ता, रिश्तेदारों में या गैरों में? अब रिश्तेदारों में तो मेरे मेयार की कोई लड़की है नहीं, आप जानती हैं। मुहब्बत हम सफर मेरी। अरे अपनी औकात दिखा रहा है वो। औकात दिखा रहा है? क्या मतलब है आपका? लगता है मेरी जरा सी बात ना उनको गोली बन के लगी है। टेलर के पास गई है, अपनी शॉपिंग निपटाती फिर रही है। मैं कल तो आया हूँ, उनसे सही से बात भी नहीं हुई और वो बाहर चली गई। परसों ही तो मुलाकात हुई है शादी में, बिल्कुल ठीक ठाक थी वो तो। अच्छा अम्मा शहजादी ये भी कह रही थी कि आप कभी उसे फोन करके यहाँ आने का नहीं कहती।